गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारी डेट है 25 जुलाई। हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? 6। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? एक्सपोनेंट। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें आपको समझाया था कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है हमारी? एड। पावर एड कब होती है? जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगी? एड। सेकेंड है, अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाती है हमारी? सबट्रैक्ट। पावर क्या होंगी हमारी? सबट्रैक्ट। कब होती है पावर सबट्रैक्ट? जब क्या हो हमारे पास? डिवाइड। अगर मैं आपको बताऊं कि पावर की पावर है, पावर की पावर मतलब ए की पावर है उसकी पावर है, तो पावर क्या हो जाती है हमारी? मल्टीप्लाई। पावर क्या होंगी? मल्टीप्लाई। इसको आप ये भी लिख सकते हो ए की पावर एम फिर पावर एम, तब भी पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई। चाहे एन मल्टीप्लाई एम हो चाहे एम मल्टीप्लाई एम, दोनों चीजें क्या है? सेम। अगर कोई पावर माइनस में है, माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल। क्लियर है? किसी भी चीज की पावर अगर जीरो है तो आपका आंसर हमेशा क्या होता है? वन। चाहे 5 की पावर जीरो हो, चाहे 7 की पावर जीरो हो, चाहे 9 की पावर जीरो हो, आंसर क्या होगा? हमेशा वन। किसी की भी पावर जीरो क्या होती है? वन। क्या पढ़ा है? ए की पावर एन मल्टीप्लाई ए की पावर एम, बेस सेम है मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएगी? एड। बेस सेम है डिवाइड है, पावर क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट। पावर की पावर है तो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। अगर पावर माइनस में है तो क्या होता है? रेसिप्रोकल। किसी की भी पावर जीरो क्या होती है? वन। क्लियर है? अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 6B के कुछ क्वेश्चंस। अब है हमारी एक्सरसाइज 6B का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको सिंप्लीफाई करना है किससे? जो एक्सपोनेंट के लो दे रखे हैं उनसे। देखो, बेस सेम है मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाती है? एड। क्लियर है ये चीज़? बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगी? एड। 13 की पावर 2+5 क्या हो जाएगा? 13 की पावर 7। यहाँ देखो, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। बेस सेम है मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएंगी आपकी? एड। पावर एड हो जाएंगी। एड करोगे 9, 9 और 3 12, 3 की पावर क्या हो जाएगी? 12। बेस सेम था तो पावर क्या कर दी मैंने? एड। यहाँ देखो, बेस सेम है, -7 की पावर 8 मल्टीप्लाई -7 की पावर 4, -7 पावर क्या होगी? 8। -7 की पावर 8 12 हो जाएगी। -7 की पावर 12 कैसे आया? 8+4 क्या होता है? 12। ये देखो, 8th पार्ट, 7 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 -5 की पावर 0। 7 किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1। मल्टीप्लाई में 4 की पावर 0 1, -5 की पावर 0 1। 1 1 1 1 1 क्या हो जाएगा आपका? 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है आपका x की पावर 7 मल्टीप्लाई x की पावर 4 डिवाइड x की पावर 5। ये जो पॉइंट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। बेस सेम है मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाती है आपकी? एड। पावर एड होगी। ये क्या है? डिवाइड में। इसको बाद में सॉल्व कर लेना, पहले क्या करेंगे हम? खाली एड कर लेते हैं। एक्स 7, 8, 9, 10, 11 कितनी होगी पावर? 11। डिवाइड में है, डिवाइड वाली पावर क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट। पावर सबट्रैक्ट करोगे ये क्या होगा आपका आंसर? 10 की पावर 8 सेकंड क्वेश्चन है। 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिवाइड में है 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। पहले मैंने ऐड किया 10 की पावर 8+7। ऐड क्यों किया? क्योंकि बेस सेम था मल्टीप्लाई था। नीचे डिवाइड में भी दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो भी क्या हो जाएंगी? ऐड। क्लियर है यहाँ तक? क्या हो जाएगी? 10 की पावर 8+7 15 बाय 10 की पावर 6 डिवाइड में है, डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी? सबट्रैक्ट। क्लियर है? टेन की पावर क्या हो जाएगी आपकी? 9। ये क्या है आपका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इवेल्युएट। इसका मतलब आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट आपका 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम? 3 टाइम। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है? 4 की मल्टीप्लाई कितने टाइम? 3 टाइम। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। क्लियर है? 27 मल्टीप्लाई 64 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1728। बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे, अगर आपके क्लियर नहीं हो पाते तो हम डाउट सेशन में क्लियर करेंगे।